नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम में। और आप नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। 1 मई को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की थी। इस दौरान 2 शहीदों का सिर काट लिया गया था। बताया जा रहा है कि वेट के मेंबर घटना को अंजाम देने के लिए एक खास तरह का चाकू लाए थे। इस घटना को वे रिकॉर्ड कर सके इसके लिए के पास कैमरा था। ये कैमरा उनके सिर पर बंधा था। शुक्रवार को आर्मी ने पुंछ के गुलपुर सेक्टर में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बेट आतंकी की बॉडी बरामद की। एक अफसर ने बताया 22 जून को बेट का एक घुसपैठिया मारा गया था। इसकी बॉडी को लोकल पुलिस को सौंप दिया गया है। इसके पास से आर्म्स, गोला बारूद और जंग में इस्तेमाल होने वाला साजो सामान, मास्क में खास तरह का चाकू, सिर पर बांधने वाला AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, 2 ग्रेनेड मिली थी। इसके अलावा एक बेट से आर्मी की यूनिफॉर्म भी मिली थी। इन सब से पता चलता है कि पाक आर्मी के बर्बर मंसूबों का पता चलता है। अफसर ने ये भी बताया कि खास तरह के चाकू रखने का मकसद है कि वे हमारे जवानों का जल्द से कलम कर सके। हालांकि हमारे जवान उनकी योजना को नाकाम कर देते हैं।